वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के विक्रम में सभा को संबोधित कर रहे। संबोधन के दौरान मोदी के समर्थकों में काफी जोश दिखा। लोगों ने जय श्री राम और मोदी के नारे लगाए। लोगों का उत्साह देखकर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग मनेर के लड्डू खाकर आए हैं। 4 जून के लिए मनेर के लड्डू तैयार रखिए। चुनाव के नतीजों का एग्जिट पोल चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि इंडी वाले बोले, मतलब साफ है कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ गया है। 4 जून को नया रिकॉर्ड बनेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने फिर कहा कि भारत को कैसा पीएम चाहिए। भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने रख सके। वही दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 PM देने की है। ऐसा पीएम चाहिए, भारत को कैसा पीएम चाहिए, भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 PM देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 PM क्या होगा इस देश का? आज के लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 PM दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां। चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को पाटलिपुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा।